हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमिस गैंग। और आज हम आ गए हैं खाली रोड पे एक और न्यू व्लॉग के साथ। अभी देखा सुनसान नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि ये बिल्ली हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, ठीक हो? पहली फुर्सत में निकल। अस्सलामुअलैकुम पान, ये अल्लाह हबीबी, यू नो अरबी? इन्होंने अरबी आंदी होनी, मेरी पंजाबी थी। ओए मैं डर गया यार। मतलब यहाँ पे रौनक शौनक है, लेकिन ना बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ ऐसे सीन है, गड्डिया शड्डिया खलोती हैं, बंदे तुहानू कोई नजर नहीं आने, सारे अंदर बड़े हुए ने, कम्मा कर वाले बंदे ने ना। मैं तुहानू एक गल दसा, मैं ना यहाँ पे रोड पर मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, भला क्यों? जब मैंने इन्हें आया ना, जैसे पाकिस्तान में है ना कि मतलब हमारे गाड़ी का स्टेयरिंग है राइट साइड पे, और यहाँ पे सारे लेफ्ट ही हैं, और मतलब रोड भी उल्टे चलते हैं। कि मैंने पाकिस्तान में होता ना, तो मैंने रोड क्रॉस करना है ना, तो मैं इधर देखूँगा, ठीक है? मैं इधर देख रहा था, लेकिन गाड़ी जो है इस तरफ से आ रही होती है, ठीक है? तो मैं इस तरफ ऐसे चल के जा रहा हूँ, और यहाँ से कुछ चार गाड़ियों ने आ रही थी, और मैं रुक गया। मैं कह ओए होए बच गए, वरना भाई आपके भाई का एक्सीडेंट होना था, बड़ा बुरे वाला, गंदे वाला। तो बाकी बच गए, अभी पता चल गया किस तरफ देखना किस तरफ नहीं। अभी इस तरफ देखना, और हमने ऐसे रोड क्रॉस कर लेने। कि यार ये क्या कहते हैं, ये जिम है। मैं सोच रहा था कि जिम ज्वाइन करूं, लेकिन यहाँ पे 3,000-4,000 रियाल जिम की फ़ीस है। उसके बाद आपके यहाँ पे ऊपर स्विमिंग पूल मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं और क्या क्या मिलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब कि स्विमिंग पूल है, यहाँ पे मेडिकल होता है, टोटल ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ एक दफ़ा होता है, उस तो बाद उसी ओन जी हो जैन जी सी। तो मतलब बड़ी मज़े की जिम है, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आएंगे। यहाँ पे नहीं, मतलब वहाँ पे हमारे एरिया में भी नहीं बन रही है, तो उधर जाएंगे। तो अभी मैं वॉक करते करते सोचा व्लॉग तैयार कर लें, स्टार्ट कर लें, आप कुछ बताएं दिखाएं। यार यहाँ पे ये देखो ना, सारे इस तरह के मतलब घर हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं, इस तरह के मतलब बिल्डिंग्स हैं। तो इतना में इससे ज़्यादा सुकून था, कोई इतना शोर शराबा नहीं था यहाँ पे, तो फिर भी है ना यार, तो मतलब मदीना में फिर भी सही था। तो अभी आप मुझे तो लग रही थी बड़ी भूख, पता नहीं अभी क्या बनाएंगे। मैं उठा दोपहर में, उठे रात को, कल मसे चावल खाए थे तो वही खाए हुए थे भाई, भूख तो इतनी लग रही थी। उठे, मैंने बोला हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अभी हम कुछ देख के आए। यहाँ पे हमारे पठानों का होटल है। इग्नोर करना मेरे फोरहेड, मतलब मेरे मत्थे को, पंजाबी जी कहते हैं मत्था, क्योंकि इतने मच्छर लड़ पाया, जुल्म करता है मच्छर यार। तो सोया हुआ था, तो वो मुझे जब उसने मुझे काटा है ना, यहाँ पे भी लिया। हेलो हबीबी, कम टू। ओ ना भाई यार, ये हमला भी कर देती है, यहाँ पे बड़ी तेज बिल्ली है जनाब। होटल है बंद या इसके अलावा कोई होटल है यहाँ पे आसपास? हाँ दूर है, दूर तो जाएगी ना यार, होटल बंद है यार। अरे मेरी भूख ज़्यादा जागने लगी, चलो जाके देखते हैं कोई और कोई चीज़ देखते हैं, मिल जाए तो वो खाते हैं यार। पता नहीं क्या सीन है, अभी मगरिब के बाद खुलेंगे, पता ही नहीं था ना मगरिब के बाद। मैंने पूछा है कि खुला होगा, कहते हैं हाँ खुला होगा, लेकिन अभी खुलेंगे। वाह क्या करें, प्लेस वेज खा लें फिर, मेरे ख्याल से जो बन रहा फिर वो ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर पैदल तो भाई मैं चलने से रहा चल सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी दूर चलना है, मुझे पता भी तो नहीं है कहाँ से मिलता है। तो करते हैं कुछ। तो फाइनली गाइज कुछ भी नहीं मिला, आधे घंटे की वॉक पे था, तो जो काम था कि जवाना थी मौत है। तो साढ़े का बंदा हूँ, अद्धा घंटा टूट गया। पहले कभी चला करते थे, जब वेट लूज़ किया दोबारा मोटा हो गया भाई आप, और अंकलों वाली लुक आ रही है भाई, सब कह रहे हैं अंकलों वाली लुक कर लिया तुमने, अभी दोबारा से खासियत रखेंगे और दोबारा से डाइट करेंगे और पतले होंगे भाई। भूख शूख बर्दाश्त करना सीखो अभी से, क्योंकि मुँह बाकी बड़ा मोटा हो गया, बताना मोटा हो रहा हूँ या ऐसे सही है। तो अब देखते हैं, घर जाके देखते हैं, फिर तैयारी श्यारी की है खाने पीने की, कोई नहीं तो फिर लेस वेस खाते हैं, अभी वही खाएंगे फिर खाना बनेगा यार, क्योंकि हम गुजरावाला से, पाकिस्तान गुजरावाला, और गुजरावाला वाले में मशहूर हैं कि पहलवानों का शहर, खाने के शौकीन। तो अभी इस वजह से रमज़ान में तो भाई खा के लेट जाते थे, बैठ जाते थे, तो कुछ इस तरह ही ज़िंदगी चलती रही है वहाँ पे। तो इधर भी आके ऐसे कुछ हुआ है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी थी नहीं, मोटे हो गए हैं, इतना बड़ा मुँह कर लिया, तो बाकी कबूल करना यार। अभी थोड़ा सा जब सेटमेंट हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुंडा मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रदर? अस्सलाम वालेकुम यार, आप बहुत ख़तरनाक साइकिल चलाते हो। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं बेसिकली एक डिनर गया था खाना, और खैबर होटल है बंद, उसके अलावा बड़ी दूर दूर है मैंने सुना।
और ये सारे भाई सिंध से हैं और इनको जंप अली से हुई है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप। और आप बताएं क्या कर रहे हैं? आप बताओ। मैं तो काम करता हूँ इधर। इधर इधर क्या काम करते हो? ये काम करता था। आप क्या काम करते हो? मैं काम नहीं करता, मजाक कर रहा था। बेटा किया करो, माशाल्लाह बोझ बढ़ रहा है जिंदगी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है यार। क्या करता है? घर वालों को तंग तो नहीं करता? किस तरह का तंग करता है? ए, बेटा मनु तो इनू वेख के लग रहा है कि जिंदगी चो आप ही खुद तो तंग है। वो हंस रहा है वो, देखो। अच्छा अच्छा, बाकी यार माइंड ना करना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? कर भी लोगे तो छोटे भाई हो, मसला नहीं, बाद में बना लेंगे आपको। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके ब्रदर। ओके छोटू शरारती। तो जी हम बना रहे हैं आज फिश। वाह 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 वाह, फिश। और फिश जो है इसमें भी बनने में टाइम है, मसाला वगैरह बनेगा, सामान वगैरह बनेगा। मैं कहूँ घर देखे तो सही क्या बन रहा है। उसके अलावा अभी फिश खाएंगे या मगरी के बाद होटल खुलेगा, फिर जाके कुछ खाते हैं। सिर दर्द हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम सुरेश भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? नींद आई है? अरे सूरज भाई केले लगे हुए हैं, आप सूरज भाई की हेल्प करवाएंगे। सूरज भाई हमें बताएं, हम क्या करें आपके साथ, मुझे बताओ। धोना है, काटना है, सिलना है, सब करना है। ओके, धोना है, काटना है, सिलना है। ओके, ये हम धोएंगे पहले। ये किसने उठाया? ये खुद ही उतर गया होगा पानी लग के। तो यार अभी हमने जो है फिश जो है तैयार करने लगे हैं पकाने के लिए। अभी मुझे ये धोना है। कुछ भी नहीं खाया। बहुत तेज है ये तो गाइस फाइनली प्याज वगैरह हो गया। इधर मेरी आंखें देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, पानी ऐसा है, सौंफ का काम। और प्याज से मुझे एलर्जी है। इसको ऐसे काटेगा? तुमसे ना हो पाए। सही है भाई, ये पानी में से आंखें निकालने के लिए वैसे प्यास सही है, लेकिन चुपता बहुत है। ऐसे फाड़ू? ओह फट गया, फट गया। बंदू भाई को नई रेसिपी करने लगा मेरे ख्याल से। कोई नहीं, स्लो स्लो है यार, स्पीड भी बाद में हो जाएगी। काटेगा कैसे? ऐसे पकड़ो बस, खाली ऐसे दबाओ बस, हिलेगा डूलेगा। सब बस बेटा, इस तरह सिखाओ मुझे, मैं वही तो करूं, मुझे सिखाओ। बंधु भाई अच्छे बासासत बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करो। बबल धो लें क्योंकि इसको साफ अच्छे से करना है। अच्छा तो भाई जान, चावल और हमने धो लिए हैं और ये फिश फ्राई हो रही है, ऑयल डाला है और हम बना रहे हैं फिश कड़ी। फिश कड़ी जिंदगी में पहली बार खाने लगे। फिश कड़ी जो होती है, सही फिश वैसे तो खाई हुई है। और क्या कहते हैं, फिश मुझे वैसे जो कंडे वाली है मुझसे वो नहीं खाई जाती, सही है। उसमें डर लगता है क्योंकि मेरे बचपन में फंस चुका है एक दफ़ा, तो मैं उसके बाद बड़ा चालू हो गया था। लेकिन अभी जो है हम खाएंगे। अच्छा आपकी कभी कंडा फंसा बंधु भाई गले में? कभी नहीं? छोटा मोटा जो फंसा ऑटोमेटिक चला जाता है। एक गला है कि क्या, खूह है? सही है सही है। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि तुम खा लोगे, ये बोनलेस है, इसमें जो है ना मतलब फिंगर है, इसमें कंडा चंडा नहीं है। मैंने बोला चलो सही है। तो अभी साथ साथ बना रहे हैं फिश कड़ी, बना रहे हैं जनाब साहब। फिश कड़ी कैसे बनती है वो तरीका देखेंगे, और मतलब मैं खुद ही बना रहा हूँ। फाइनली गाइस सारा काम शाम खत्म कर दिया आपके भाई ने, हो गया। इसमें बस अब फिश डालनी है, तो बस थोड़ा पानी डालना है, फिश फ्राई होगी। तो बुंदु भाई मैं आप जा रहा हूँ, कोई काम शाम हुआ तो मुझे बुला लेना, कोई काम शाम हुआ तो मुझे बुला लेना। थक ऊपर से भूख इतनी लावे की लगी हुई है, तो मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही है प्याज, मुझसे प्याज से जितनी एलर्जी है ना प्याज से, उतनी आज मैंने काटा है। और मेरा
बहुत बुरा हाल हो रहा है, सर से दर्द हो रहा है बड़ा ज़्यादा। तो अभी मुंह धो लें, फ्रेश हो जाएं, तो फिर अब खाने भी मिलते हैं। तो भाई ये है जी फिश कड़ी, ओए होए होए क्या मसाला तैयार हुआ है। भाई मुँह में पानी आ गया, बाकी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। कंडा तो नहीं है इसमें? देखिए थोड़ा 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 होगा, बड़ा बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार मजेदार, अच्छा बना। मुझे पहली बार जिंदगी में कड़ी चावल खाए हैं, मज़ा आ रहा है। जितनी भूख लगी थी मज़ा तो आना था, वैसे भी अच्छा बना। अभी खाना शाना खाया, तो खाना शाना खा के फिर मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हो गया, जज़ाकअल्लाह खैर। सर क्या हाल है आपके? आप हमारा चार लेके जा रहे हैं, देख रहे कितनी बुरी बात है। यार चार इनका ही है, इनमें थोड़ी मिर्चे शीशे ऐड करने जा रहे हैं सुहेल भाई। तो क्योंकि इनके घर का चार इतना मजे का, हमें इतना पसंद आया ना, आधा डिब्बा था खत्म कर लिया भाई रमजान में भी, और फिर मिर्चे शीशे डलवाने जा रहे हैं। बड़ी मजे की फिश बनाई थी भाई, मजा आ गया। खाना शाना खा लिया, अब सुकून है। अब थोड़ी बात मतलब ये अरे भाई ओ, तो अभी मतलब भाई सोचा थोड़ी वॉक कर ले, खाना खाने के बाद जो बैठने वाले लेटने वाले आते थे ना, इसको ख़त्म कर दें। बहुत बदतमीजी कर ली है, अब थोड़ी वॉक करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए। और रात में कुछ इस तरह का ये एरिया नज़र आता है, सही है। तो यार गाइज यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड। अगर तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। बस आप लोगों का प्यार चाहिए यार, सपोर्ट करते रहो। आप लोगों की सपोर्ट मिल गई ना तो भाई क्या ही मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग देखते हो ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो आगे। और उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आया होगा। तो जो था सब आपको दिखाया, शेयर किया, खाना शाना खा लिया। बस अभी थोड़ी वॉक करेंगे, फिर जाके सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद जो कोई एक्टिविटी होगी फिर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो हवा चलने लग गई है, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।